हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग सोचते होंगे कि ये व्यक्ति हमेशा हिंदू मुस्लिम करता है, तो क्यों करते हैं? और जो मेवात की घटना हुई है उसका आप वीडियो देखिए, तब आपको समझ आएगा कि ये हम किस बारे में बात कर रहे थे और किस घटना को आपको बताना चाहते थे। तो ये वीडियो को देखिए, तब आपको समझ आएगा कि मुसलमानों ने क्या किया मेवात में। और जो ये सोचते हैं तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई कौन व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, क्योंकि जो सच रहेगा वो सच ही रहेगा। और सच बोलना अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा ही सही, हम तो सिर्फ सच ही बोलेंगे। अगर आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं भी आए तो ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वीडियो देखिए कि मैं बात में कैसे अगर अब बहुत लोग सोचते होंगे कि कैसे दंगे करने से क्या होगा और ये दंगे क्यों करते हैं, तो बता दी कि तो हिंदू से घृणा करते ही करते हैं और भारत से भी घृणा करते हैं, ताकि इकोनॉमिक्स में जो भारत आगे बढ़ रहा है वो वृद्धि रुक जाए। जो बाहर से कंपनियां आती है बड़ी बड़ी यहाँ इन्वेस्ट करने, वो इन्वेस्टमेंट को रोकना चाहते हैं ये सारे कृत्य करके। तो मौलाना की जवानी सुनिए कि कैसे ये पूरी प्लानिंग के तहत की जाती है सारी चीज़ें। अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है? बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान के मार्केट डाउन होती है। तो आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। जी, और ये सपना क्या देखते हैं भारत से हिंदू विहीन करने का। और दूसरी जो बात आपको मैं बता रहा हूं, यहां पीछे इधर 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 पीछे, इधर पीछे लिखा हुआ है, भारत से बूत निकल जाएंगे, भारत से बूत निकल जाएंगे, एक बूत नहीं रहेगा, एक बूत। बार बार तकरीबन 4-5 साल से मैं आपको कह रहा हूं, भारत के अंदर एक बूत नहीं रहेगा, एक मंदिर नहीं रहेगा, एक हिंदू नहीं रहेगा। ये 5 साल से मैं आपको कह रहा हूं, मैं खुद ईश्वरी नहीं कर रहा। अजमेर शरीफ वालों ने 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे, 90,000 हिंदू मुसलमान किए थे। अब वो वक्त आ गया है हिंदुओं का, जो हिंदू अपना बोरिया बिस्तरा चुकन चुकन जी। मैं अबलीस दा जेड़ा बोरिया बिस्तरा जन्नत अंदर सी ना, वो मैं बाहर कढ़िया। हुण मैं आज तुसां नाले वादा करदा, ए हिंदुओं का जेड़ा बोरिया बिस्तरा है, अल्लाह मेहरबान होवे, अल्लाह मेहरबान होवे, अल्लाह अकबर है, ए ए अल्लाह अकबर है, ए ए अल्लाह अकबर, ए ए अल्लाह अकबर, ए ए बाहुक्मे अलाई, बाहुक्मे अलाई। 2024 2024 2024 2027 तक एक हिंदू नहीं नजर आने लगा। एक हिंदू नहीं नजर आने लगा है, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक मंदिर नहीं नजर आने लगा, एक हिंदू नहीं नजर आने लगा, एक बुत नहीं नजर आने लगा। ये ऐसी मानसिकता के साथ भारत में भाईचारा चाहते हैं। क्या लगता है आपको, भाईचारा है?
हमें तो नहीं लगता, जहाँ ये अल्पसंख्यक होते हैं वहाँ भाईचारा होता है, जहाँ ये बहुसंख्यक होते हैं वहाँ फिर गजवाए हिंद की सपना देखते हैं। बाकी जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।